क्या कर रही हो तुम? यहां आकर मेरे पास बैठो। तुम्हारी शादी कर रही हूं मैं जैन अली से। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मजाक नहीं कर रही हूं, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा अम्मी? सुन ले तो सुन ले, मैं किसी से डरती नहीं हूं। किसी बंद कमरे में नहीं हो रही तुम्हारी शादी। तहरी में इजाजत दे देगी कि जैन अली मुझसे शादी कर ले? तुम तहरीम और जैन अली को छोड़ो, अपनी बात करो। कि तुम भूल गई हो जैन अली को? तुम नहीं चाहती तुम्हारी जैन अली से शादी हो? मेरी बात रहने दे अम्मी, जैन अली ने मुझसे शादी करनी होगी तो पहले ही कर चुके होते। अब करना ही होगी उसे। तुम सब बातें भूल जाओ, बस ये याद रखो कि पहले जैन अली तुम्हारा मंगेतर था, बाद में तहरीम ने उसे हासिल किया। और अब जब जिंदगी में तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है तो तुम क्या बातें लेकर बैठ गई? खुद गर्ज नहीं होनी मैं बेटा, ये खुद गर्जी नहीं है। खुद गर्जी तो वो थी जो उन्होंने दिखाई और हमने सब्र किया, लेकिन अब हमारी बारी है। वैसे भी जैन अली पर पहला हक तुम्हारा था, मुझसे खुद अकबर अली ने उसका रिश्ता मांगा है तुम्हारे लिए, और मैं इनकार नहीं कर सकी। और करती भी क्यों बेटा, जिंदगी हर बार दूसरा मौका नहीं देती है। तुम तो इतनी खुशकिस्मत हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का एक मौका और दिया है, वरना हर किसी को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। तुम इतना मत सोचो,